हेलो दोस्तों, क्या आप भी ग्राइंडर यूज करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए पांच तरह के ऐसे टिप्स बताए हैं जो कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सेफ्टी से रिलेटेड है, ये आपके लिए वीडियो है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो ये सवाल का जवाब भी इसमें मिलेगा, तो देर ना करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर या सिविल वर्क करते हैं, तो ये इन बातों को आपको जरूर ध्यान देना है कि जो ग्राइंडर बंदा चलाता है, जो भी आपके ग्रुप में कोई चलाता है, इनको आप बताएं, ये वीडियो जरूर शेयर करें। जैसे कि आरपीएम किसे कहते हैं और इसे कैसे पता करें, ग्राइंडर चलाते समय किन किन बातों को ध्यान होनी चाहिए, ग्राइंडर यूज करते समय सेफ्टी क्या ज़रूरी है, और ग्राइंडर कितने तरह का होता है, ग्राइंडर डिश क्या है, ये आपको इतना जानना जरूरी है एक ग्राइंडर यूज करने से पहले, ठीक है दोस्त। और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इन बातों को हम पांच बातों को आपको बताएंगे बिल्कुल डिटेल्स में, तो आइए जान लेते हैं। पहले मैं किसे कहते हैं और इसे कैसे पता करें। दोस्तों आपको बता दूँ, आरपीएम जो है उसको फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मतलब पर मिनट जो घूमना होता है ना, जो कि एक मिनट में कितना बार घूमता है, उसको रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, आरपीएम बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राइंडर में आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डिश लगा हुआ है, ठीक है, इस ग्राइंडर में डिश लगा हुआ है और इसका आरपीएम देखना है, और ग्राइंडर का आरपीएम क्या है ये देखना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ी जूम करके बता दें आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 पर मिनट घूमना, तो उसमें जो डिश लगा है ना वो भी 1200 आरपीएम को होने चाहिए। मैं इस पे देखिए, डिश है जो ये है 1320 मैक्सिमम आरपीएम इसका है, तो इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो टूट के आपको एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें, आरपीएम जरूर देखकर ही यूज करें। कितने दोस्त है छोटे ग्राइंडर में बड़े डिश लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा ना करें। अभी हम लोग जाते हैं ग्राइंडर चलाते समय किन किन बातों को ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों ये जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर में पहले तो प्लग देखनी चाहिए, प्लग प्रॉपर है कि नहीं, और उसमें फ्यूज जो लगा रहता है ना वो फ्यूज होनी चाहिए, लाजिम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्राइंडर आपको स्टॉक भी होता है तो यहाँ से फ्यूज जुड़ जाएगा तो आपका पावर कट जाएगा। और कलर कोड जो सेफ्टी कलर कोड होता है, मंथली कलर कोड, ये होनी चाहिए, इससे पता लगता है हमारा ग्राइंडर अपडेट है। ओके दोस्तों, जब भी आप ग्राइंडर यूज करें, आप यूज करने जा रहे हैं, तो ये गार्ड जरूर लगाएं, सेफ्टी गार्ड बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका अगर डिस्क टूटता है तो आपके सीधे चेहरे पर अटैक करेगा और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि ये नहीं लगाते हैं, तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये भाई साहब ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेस शील्ड नहीं लगाए हैं, इनकेस अगर टूटता है कुछ चीज़ उड़ता है, अगर टाइल्स ही टूट कर उड़ता है तो इनके चेहरे पे लगेगा, ये ना गॉगल्स लगाए हैं ना फेस शील्ड लगाए हैं, ये कटिंग कर रहे हैं तो इनके चिंगारी जो निकल रही है ये सीधे आपको केबल ड्रम पे जा रही है, तो ऐसे ना करें। और जब भी डिश चेंज करें आप, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीका से चेंज करें, छोटे के जगह पे बड़ा, बड़ा की जगह पे छोटे ना लगाएं, जितना उसका साइज़ है उसी साइज़ का लगाएं, और आरपीएम जरूर चेक करें डिश का, और उल्टा कभी भी ना लगाएं, ठीक है दोस्त। और प्रॉपर इसको टाइट करें, फुल टाइट करें, नहीं तो ये बहुत खतरा होता है, इससे बहुत तेज़ी से ये घूमता है, तो इसीलिए आप इसको फुल टाइट करें। और आप लेफ्ट या राइट चला रहे हैं ग्राइंडर, तो आप उसी हिसाब से ये आपका हैंडल जो है सेट कर लें, और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लें, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से टाइट करें, क्योंकि सेफ्टी आपका है, ये जो काम जो है ना ये आपका सेफ्टी है, आप अपना सेफ्टी जरूर करें। कितने दोस्त जो है कि ये पूरे निकाल कर फेंक देते हैं और ग्राइंडर चलाते हैं, तो दोस्तों इनकेस अगर एक्सीडेंट होगा तो बहुत मसला हो जाता है, इसलिए आप सेफ्टी जरूर यूज करें। दोस्तों ग्राइंडर यूज करते समय क्या क्या सेफ्टी जरूरी है, दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो फुल बनाया है, आप जाकर जरूर देख। दोस्तों आपको बता दूँ, साइट पर आप एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये लाजिम पीपी जरूरी है आपको करना, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल काम करें, प्लम्बिंग काम करें, चाहे सिविल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको हेलमेट जरूरी है, फेस शील्ड जरूरी है, ठीक है, और आपको हार्नेस जरूरी है, और सेफ्टी शूज जरूरी है, ये गॉगल्स जरूरी है, वेस्ट जरूरी है, सेफ्टी वेस्ट, और हैंड ग्लव्स, और आपको बता दूं ये स्टार्ट कार्ड परमिट जरूरी है, और जनरल टूल्स, ठीक है दोस्त, ये लाजिम जरूरी है आपके साइट पे। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर जरूर देखें मेरे चैनल पे। और आपको बता दूं ग्राइंडर कितने तरह का होता है, ठीक है, कितने तरह का होता है ग्राइंडर। दोस्तों आपको बता दूं ग्राइंडर बहुत तरह का होता है, ठीक है, बहुत साइज की होती है, बहुत तरह का होता है, लेकिन आरपीएम आप देख कर ही उसमें डिस्क लगाएं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप सेफ्टी से ही आप काम करें। ग्राइंडर डिस्क क्या है, आपसे सवाल पूछ दे, ग्राइंडर डिस्क क्या है। दोस्तों आपको बता दूं ग्राइंडर डिस्क बहुत तरह का आता है, आप ये नहीं कह सकते ग्राइंडर डिस्क क्या है, अगर सवाल होता है तो आप बता सकते हैं, ग्राइंडर डिस्क जो है ना बहुत साइज का आता है, बहुत तरह का आता है, ठीक है दोस्त। दोस्तों
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे खुशी है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो थोड़ी भी फायदी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं बनाया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।